Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and we are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another new video and interesting video. So now we discuss about endomembranous system. What is endomembranous system? Why it's called endomembranous system? Which organelles participate in endomembranous system? Each and everything we discuss in this particular video. So I hope you all enjoy this video. So let's begin without wasting any time. So first we did what it is in NCERT textbook. After that elaborate each and everything with simple and easy word. So let's begin. So endomembranous system. Endo का मतलब है, endo का word मतलब हम जानते हैं क्या होता है, endo का मतलब होता है अंदर, है ना, इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है अंदर। और मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलेंगे। सबसे आउटर जो होती है प्लांट सेल में क्या होती है, सेलवाल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, है ना, जो सेलवाल होती है सबके लिए परमेबल होती है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है, उससे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही उसके अंदर आ पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो सारे के सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब उनका अलग अलग होते हैं फंक्शन के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बट उनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों कंसिडर किया गया है इनका, क्योंकि फंक्शन जो होता है इनका कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से तालमेल बना के रखते अपना ये काम करते हैं। तो देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है। व्हाइल ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट, है ना, प्रत्येक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है वो डिस्टिंक्ट होता है इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, अपने फंक्शन के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट, इसका मतलब होता है डिफरेंट, है ना, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे प्रत्येक ऑर्गेनल्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, है ना। मेनी ऑफ दीज आर कंसाइडर टुगेदर एज एन, इनको फिर क्यों कंसाइडर किया गया है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में, है ना, मेनी ऑफ दीम कंसाइडर एज इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड होने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से तालमेल बना के रखेंगे, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन मतलब संबंध बना के रखेंगे, है ना, तालमेल बना के रखेंगे, तालमेल बना के रखेंगे, ठीक है, तालमेल बना के रखेंगे, ठीक है। सो क्या है द इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है ना, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या आता है, तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, उसके बाद क्या आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आते हैं, वोक्यूल्स आते हैं, है ना, ये आते हैं इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वी जी ई आर एल सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी जी आर एल सिस्टम भी बोलते हैं। वी जी आर एल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी से हो गया वोक्यूल, है ना, जो कि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ये ऑक्यूपाई करता है ना, स्पेस सेल का एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वी वी का मतलब हो गया वक्यूल, जी का मतलब हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ई आर का मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम आगे पढ़ इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताएंगे, ठीक है। और एल से हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है इसको हम, इसका जो पीएच होता है एसडी पीएच होता है 4.5 होता है, इसको सोसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। सो आगे देखते हैं, है ना, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और कौन सा सिस्टम बोलते हैं, वीजीआरएल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आते हैं, लाइसोसोम आते हैं और वॉक्यूल आता है, ठीक है। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ ऑफ एव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसाइडर एज ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना, ये सारे के सारे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया और वक्यूल हो गया, इनका जो है फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट करते हैं, यानी वी जी आर सिस्टम इनको बोलते हैं। बट इसके अलावा क्या है,
माइटोकांड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकांड्रिया जो पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाएगा, एनिमल एनिमल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, ये प्लांट में पाया जाएगा, ये हमको पता है ना, ये प्लांट में पाया जाएगा। इन दोनों के फंक्शन और ये पराक्सीसोम, पराक्सीसोम जो होता है फोटोरेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इनके जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, है ना, इनके जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको इसलिए इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसाइडर नहीं करते हैं, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में ये पार्ट नहीं लेते हैं, सीधा सा मतलब ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमको इसमें फर्स्ट बताया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या लिखा गया है मैं हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद उस आर्टिकल का मैं आपको फिगर बताऊंगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं, यानी ईआर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये इन सेल ऑर्गेनल्स की, इतने छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स यानी स्मॉल डायमीटर वाले सेल ऑर्गेनल्स का स्टडी क्यों पॉसिबल हो सकी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज के बाद ही सारी की सारी सेल की स्टडी आसान हो सकी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो होता है इसमें हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है, क्या होती है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर, हाई मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफिकेशन पावर होती है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है, यानी चीज़ों को ये बहुत जूम कर देगा, यानी छोटी सी छोटी चीज़ 0.01 माइक्रोमीटर की चीज़ को भी हम आसानी से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये कब खोजा गया था, 1950 में खोजा गया था, है ना, और इसको किसने खोजा था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट रस्का ने, किसने, अर्नेस्ट रस्का नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन साइटोप्लाज्म, डेट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद ये पता चला कि यूकैरियोटिक में एक नेटवर्क लाइक, है ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क एंड रेटिकुलम ऑफ द टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, एक नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड होने का मतलब फैला हुआ होना, स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ठीक है, स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों सेल में पाया जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही मेन एरेना होता है जहाँ पे सेल की एक्टिविटी होगी, यानी साइटोप्लाज्म ही वो मैदान होता है जहाँ पे सारी की सारी सेल की क्रियाएँ होंगी, सेल की केमिकल रिएक्शंस होंगी जो सेल को लिविंग स्टेज बनाने में, लिविंग स्टेज में रखने में हेल्प करेंगी, ठीक है। डेट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे पाया जाता है, तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में, है ना। प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ राइबोसोम पाया जा रहा था और उसमें कोई ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जा रहे थे, बट यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट की सेल में। याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप से होता है, एक एसईआर होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, और एसईआर का काम होता है लिपिड की सिंथेसिस करेगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसी में है, ठीक है। हेंस ईआर डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक कंपार्टमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस को टू डिस्टिंक कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता है। इसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब एक तो ये अंदर जो पार्ट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमिनल पार्ट बोलेंगे, इनसाइड इनसाइड ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल पार्ट, क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, है ना, ल्यूमिनल पार्ट। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का पार्ट है, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, जो साइटोप्लाज्म में होगा, ये जो पार्ट होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक कंपार्टमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक कंपार्टमेंट में, यानी दो डिस्टिंक अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। वो कौन कौन से कंपार्टमेंट है, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल का मतलब हुआ इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमिनल का मतलब क्या हुआ, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्ट्रक्चर, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट यानी साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, यानी जो उसका पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है, उसको
एक्स्ट्रा लूमलर पार्ट बोला गया, कंपार्टमेंट बोला गया। ठीक है, आगे क्या है, ER ऑप्टन साउ राइबोसोमल अटैच ऑन देयर आउटर सर्फेस, है ना। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम अटैच हो जाएंगे उसके आउटर सर्फेस पे, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, RER बोल देंगे। क्या बोलेंगे, RER बोल देंगे, है ना, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो एक स्ट्रिंगिंग है, ये धागा है, ठीक है। अब ये इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी मोती नहीं लगे हुए हैं, ना कोई भी मोती नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये प्लेन है, यानी ये इसकी सरफेस है जो चिकनी है, है ना। अगर इसमें हम मोती अटैच कर देंगे, मोती ऐसे डाल देंगे, तो इसकी सरफेस चिकनी नहीं रही अब, है ना, वो रफ हो गई। तो इसी तरह का है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखते हैं क्या है, इंडोप्लाज्मिक द ER ऑप्टन साउ राइबोसोम अटैच देयर आउटर सर्फेस, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सर्फेस में आउटर सर्फेस पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेरिंग राइबोसोम ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जब इसकी आउटर सर्फेस पे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, RER बोलेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम में अपीयर स्मूथ आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER बोलते हैं, याद रखेंगे, ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। आगे देखते हैं, RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। RER का काम क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसका सिक्रीशन करता है, ये याद रखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि RER का काम क्या होता है, SER का काम क्या होता है, तो हम बताएंगे RER का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना और उसका सिक्रीशन कराना, यानी प्रोटीन को बनाना और उसका श्रावण कराना। ठीक है, वैसे जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, बट राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, है ना। जैसे हमारी बॉडी में बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से, बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर पे, उसी तरह का इसमें राइबोसोम का भी कॉन्सेप्ट है। राइबोसोम जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में, बट पाया कहाँ पे जाता है, साइटोप्लाज्म में, है ना, क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो इसी की सरफेस से आके अटैच हो जाएगा तो SER बन जाएगा, नहीं होगा तो जब सरफेस पे अटैच हो जाएगा तो RER बन जाएगा, जब नहीं होगा तो SER बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। RER फ्रिक्वेंटली एक्टिवली सेल प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है ना। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाता है ना। ये एक्सटेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ होगा और कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाएगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है ना, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। मैं आपको फिगर में बताऊंगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये इसका जो RER होता है ये जुड़ा हुआ होता है, फिगर में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, अब आया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। SER का काम क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइड फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये लिपिड की सिंथेसिस को कराएगा, है ना, लिपिड को बनाएगा, है ना। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक क्या हुआ, लिपिड लाइक हार्मोन्स होते हैं। लिपिड लाइक हार्मोन्स कौन है, एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इसमें इस्ट्रोजन आते हैं, इस्ट्रोजन आते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन आते हैं, है ना। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स आते हैं, हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जो कि कहाँ पे बनते हैं, SER में बनते हैं, है ना। अब ये हमसे एक क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन साइट इन लीवर इज SER, है ना। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में होता है तो वो किस साइड पे होता है, तो हम बोलेंगे SER, है ना। लीवर की SER साइड में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर जो चीज़ों को डिटॉक्सीफाइड करेगा, है ना, उनको कहाँ पे होगा, वो SER में होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, ये बात याद रखेंगे हम। ठीक है, अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर इसका जो दिखाया गया हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हमको फिगर दिखाया गया है ना। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस दिखाया गया हमको, क्या दिखाया गया है, न्यूक्लियस, जो कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्टली न्यूक्लियर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA ही होता है जेनेटिक मटेरियल, है ना, क्रोमोसोम्स होंगे, DNA जेनेटिक मटेरियल होता है 99%,
99% होता है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसों में एक्सेप्शन होता है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया है ना, इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, सारी की सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कंटेंट करेगा, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास ये रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस में एक पोर पाए जाते हैं ना, न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे, पोर पाए जाएंगे। इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है कि न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म के बीच में आदान प्रदान चीज़ों को, अगर न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो वो चली जाएंगी, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है तो वो आ जाएंगी थ्रू न्यूक्लियर पोर के, है ना। ये क्या कराएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा चीज़ों का, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा चीज़ों का, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से ये जो अटैच हुआ है कंटिन्यूअस लेयर बना रहा है ना, ये लेयर जो बना रहा है कंटिन्यूअस लेयर बना रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एनवलप से ये अटैच है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस लेयर बना रहा है। अब इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम आके अटैच हो गए तो क्या बना दिया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया, आर बना लिया, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया। इनका काम था प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हुए, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं हमको, ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम को, राइबोसोम के पास प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है, अब इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो क्या है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो ये क्या हुआ, SER हो गया, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेगा, लीवर की लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन साइड इन लीवर इज SER, है ना, ये भी इनका काम होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स जो निकलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं हमारे वुमेंस में, तो उनका भी सिक्रीशन कराता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आगे हम देखेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, गोल्जी अपरेटस, इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस का मतलब हुआ, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी, इसका गोल्जी बॉडी नाम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये इसके नाम हो गए, और भी इसके नाम होते हैं, क्या होते हैं, अपरेटो रेटिकुलो, है ना, अपरेटो रेटिकुलर इसका भी नाम होता है एक, क्या होता है, अपरेटो रेटिकुलर, अपरेटो रेटिकुलर होता है इसको, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये। ठीक है, अब इसके देखते हैं डिटेल स्टडी सेक्शन में, गोल्जी अपरेटस है ना, गोल्जी अपरेटस को किसने खोजा था फर्स्ट टाइम, किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलियन गोल्जी साहब ने, है ना, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस को पहली बार किसने खोजा था, किसने ऑब्जर्व किया था, तो कैमिलियन गोल्जी साहब ने किया था, जो कि 1898 में यानी 1898 में कैमिलियन गोल्जी साहब ने इसको खोजा था। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व, पहली बार ऑब्जर्व किया था किसने, कैमिलियन गोल्जी साहब ने, जो कि क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये डेंसली होता है, यानी डेंसली होता है स्टैंड रेटिकुलम स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये जो होता है कैमिलियन गोल्जी साहब ने फर्स्ट टाइम 1898 में खोजा था, जो कि डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर होता है ना, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है और नियर द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ठीक है, दीज वर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम, है ना, उन्होंने गोल्जी, कैमिलियन गोल्जी साहब ने खोजा तो उन्होंने अपने नाम के बेसिस पे इसको गोल्जी बॉडी बाद में नाम दे दिया, है ना, नाम क्या दे दिया, गोल्जी बॉडी। दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत सारी फ्लैट स्ट्रक्चर होती हैं, है ना, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर्नी बोलते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पाई जाएंगी, मैं आगे आपको फिगर में बताऊँगा, ऐसे सिस्टर्नी पाई जाती हैं। ठीक है, सिस्टर्नी पाई जाती हैं जिनका साइज क्या होता है, गोल्जी बॉडी में क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी, ये याद रखेंगे, और माइटोकांड्रिया में क्या पाई जाती है, क्रिस्टाई पाई जाती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी पाई जाती है, इनका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लग से 1 माइक्रोमीटर इनका जो होता है डायमीटर होता है। ठीक है, दीज आर स्कैट पैरेलल टू ईच अदर, और ये होती हैं एक दूसरे से पैरलर होती हैं, ऐसे ऐसे होंगी स्ट्रक्चर, मैं आगे आप आगे बताऊंगा फिगर में, ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होगा, पैरलर होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगी, पैरलर का मतलब समांतर,
समांतर क्रम में लगी होंगी, क्या होंगी, समांतर क्रम में, यानी समांतर क्रम में, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना, मतलब उनका नंबर जो होता है सिस्टर्नी का नंबर वेरी कर सकता है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाई जाएंगी, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी का नंबर वेरी कर सकता है, याद रखेंगे। गोल्जी द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेप्टरी अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिनिक कॉन्वेक्स यानी सी फेस और फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव फेस को हम ट्रांस फेस बोलते हैं, मेटरिंग फेस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी अपरेटस में जो सिस्टर्नी पाई जाती हैं वो अरेंज होती हैं न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियस के पास अरेंज होती हैं और उनमें फेस होते हैं, सिस फेस होता है ना, अपने फेस में वो डिवाइड होती हैं। डिस्टिंग मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, सिस फेस होगा जिसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स फेस बोलेंगे, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। सिस फेस के तीन नाम हो गए, सिस फेस, ठीक है, यानी सिस फेस यानी कॉन्वेक्स फेस बोला, सिस फेस को ही कॉन्वेक्स फेस बोला, इसको फॉर्मिंग फेस बोला और इसको एंट्री फेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्री फेस भी बोलते हैं, एंट्री फेस भी बोलते हैं। एंट्री फेस क्यों बोलते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या हुआ, और कॉन्केव, कॉन्केव का क्या हुआ, कॉन्केव का दूसरा नाम क्या हुआ, ट्रांस, है ना, कॉन्केव फेस, ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस और एग्जिट फेस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एग्जिट फेस भी, सॉरी एग्जिट फेस भी बोलते हैं इसको, इससे चीज़ें बाहर जाएंगी, आगे आपको बताऊंगा मैं। जो इसमें सिस फेस होता है और ट्रांस फेस होता है, ये ऑर्गनल्स आर इंटायर डिफरेंट, ये सिस फेस और ट्रांस फेस जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस द ऑर्गनल्स आर इंटायरली डिफरेंट, है ना, पूरे ऑर्गनल्स में ये होंगे डिफरेंट होंगे, बट ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कहाँ पे है मैं आपको फिगर में बताऊंगा अच्छे से, है ना, सिस फेस ट्रांस फेस जो होते हैं ऑर्गनल्स ये डिफरेंट फेस होते हैं, बट ये क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी ये जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन, गोल्जी अपरेटर का फंक्शन क्या होता है, द गोल्जी अपरेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, मटेरियल को पैक करेगा, मटेरियल को क्या करेगा, ये पैक करेगा, यानी चीज़ों को पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजेगा, है ना, डिलीवर टू आइदर टू इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, है ना, ये चीज़ों को पैक करेगा, पैकेजिंग मटेरियल की तरीके हेल्प करेगा और डिलीवर करेगा, चीज़ों को भेजेगा। इंटरसेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब इंट्रा का मतलब हुआ, इंट्रा का मतलब हुआ सेल में ही, इंट्रा का मतलब क्या हुआ, सेल में ही, सेल में ही, है ना, ये चीज़ों को सेल के अंदर ही भेजेगा या आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर चीज़ों को भी भेज सकता है, ठीक है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, है ना, जो मटेरियल पैक होता है किस फॉर्म में पैक होता है, वेसाइकल, वेसाइकल का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी घुंडी की नुमा स्ट्रक्चर, सपोर्ट डेट, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, उसमें अंगूर लगे हुए होते हैं, ऐसे घुंडी की नुमा, वेसाइकल की नुमा, इनके अंदर क्या होगा, पैकेजिंग मटेरियल होगा, इनके अंदर जो भी होगा, जो मटेरियल पैक होगा वही भरा होगा, और इसी के फॉर्म में, वेसाइकल के फॉर्म में ये चीज़ों को डिलीवर करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजती है, ठीक है। मटेरियल टू पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम विथ द ईआर फ्यूज विथ द सिस फेस ऑफ गोल्जी, गोल्जी अपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेस, है ना, ये चीज़ों को पैक करेगा, वेसाइकल के फॉर्म में पैक करेगा, चीज़ों को वेसाइकल के फॉर्म में पैक करेगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फ्यूज होगा विथ सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस को हमने बोला था एंट्री फेस, है ना, सिस फेस को क्या बोला था, कॉन्वेक्स फेस बोला था और फॉर्मिंग फेस बोला था, एंट्री फेस बोला था, यानी चीज़ों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे फ्यूज करेगा और जो वेसाइकल के फॉर्म में चीज़ें हैं जिसके सिस फेस से जाएंगी, है ना, और किधर जाएंगी, सिस फेस मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेस और इसके मैच्योरिंग फेस की तरफ चली जाएंगी, यानी कॉन्वेक्स कॉन्केव फेस की तरफ चली जाएंगी, इसको एग्जिट फेस भी बोलता था, यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, यहाँ से चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमको ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि गोल्जी अपरेटस क्यों क्लोज एसोसिएशन, क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है क्योंकि चीज़ें जो है पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है, इसमें चीज़ें पैक्ड होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सिस फेस से फ्यूज करेगा और फिर एग्जिट फेस यानी मैच्योरिंग फेस से चीज़ों को निकाल देगा।
ठीक है। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर भी क्या कुछ फंक्शन होंगे जो भी होना होगा इसी के अंदर हो जाएगा। सी स्पेस और मैच्योरिंग फेज के बीच में जो गैप होगा उसी के बीच चीज़ों का जो होगा आदान प्रदान होगा, जो चीज़ डिलीवर होगी होनी होगी, जो चीज़ बनना होगा, किसी चीज़ में कन्वर्ट होना होगा, सारी की सारी इसी के अंदर हो जाएंगी। जब बाहर निकलेगा वो, तो वो मटेरियल अपने टारगेट तक अच्छे से जा सकेगा, है ना, जो टारगेट तक भेजना है वो पहुँचा देगा। आगे देखते हैं इसमें, दिस एग्जाम्पल गॉल्जी ऑपरेटर्स रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एग्जाम्पल हमको बताता है कि जो गॉल्जी ऑपरेटर्स होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में क्यों होता है ना, पास क्यों होता है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन, है ना, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाई राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसपेस, है ना। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोटीन बनना है ना, जो भी प्रोटीन बनना है, प्रोटीन कौन बनाता है हमारा, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम बनाएगा। ये नंबर ऑफ प्रोटीन बाई राइबोसोम जो राइबोसोम के द्वारा बनती है ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, जो प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पर बनेगी, RER में बनेगी, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी जो प्रोटीन, वो मॉडिफाई हो जाती है इन द सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स, है ना, गॉल्जी ऑपरेटर्स की सिस्टर्नी पे वो मॉडिफाई हो जाएगी बिफोर द रिलीज फ्रॉम ट्रांसपेस, यानी मैच्योरिंग फेज, यानी ट्रांसपेस में रिलीज होने के पहले, है ना, वो प्रोटीन बन जाएगी, है ना, समझ गए होंगे आप। द गॉल्जी ऑपरेटर्स इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, है ना। जो गॉल्जी ऑपरेटर्स होता है उसका काम क्या होता है, गॉल्जी ऑपरेटर्स इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गॉल्जी ऑपरेटर्स में होता है। इसके नाम से ही पता चला, इसके नाम में जी आया तो ग्लाइकोप्रोटीन में जी आया और ग्लाइकोलिपिड में भी जी आया, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बताते हैं आपको, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जब इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, शुगर प्लस क्या बन जाएगा, प्रोटीन, है ना, ग्लाइको के बाद क्या है, प्रोटीन, जब ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिल जाएगा तो क्या बना लेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन बना लेंगे, और जब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिल जाएगा तो क्या बना लेंगे, वो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या बना लेगा, लिपिड मिलके क्या बना लेंगे, ग्लाइकोलिपिड बना लेंगे। ये हम याद रखेंगे, पूछ लेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट मिलके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिल जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिल जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम आपको फिगर दिखा देते हैं, ये हमको फिगर दिखाया गया है किसका, गॉल्जी ऑपरेटर्स का फिगर दिखाया गया है। ये जो है सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे से कहते हैं पैरेलल अरेंज, मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल अरेंज होंगी, ये सिस्टर्नी जो होंगी पैरेलल अरेंज होगी। इसका ये जो फेस हुआ, इधर का जो फेस हुआ, इसको सी स्पेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एंट्री फेस बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्री फेस, सी स्पेस और फॉर्मिंग फेस। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें आएंगी, इसकी यहाँ से फ्यूज करेंगी, वेसाइकल यहाँ से फ्यूज करेंगी, उसके बाद ये क्या है, ये जो फेस हुआ, क्या फेस हुआ, ये मैच्योरिंग फेस हुआ, है ना, मैच्योरिंग फेस हुआ, और क्या हुआ, ट्रांस फेस हुआ, और एग्जिट फेस हुआ, है ना, और कौन सा फेस हुआ, कॉनकेव फेस हुआ, ठीक है। यहाँ से चीज़ें बाहर चली जाएंगी, और ये एक ये सी स्पेस ट्रांस फेस अलग अलग तो हैं, बट ये इंटरकनेक्ट कहाँ पे हैं, ये देखो, ये जहाँ पे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से स्पेस ट्रांसपेस दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें सी स्पेस से वेसाइकल के फॉर्म में आएंगी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेस फ्यूज करेगा इसके सी स्पेस से, यहाँ पर उसके बाद RER में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद वो निकलेगा, यानी इसके ट्रांसफेस से निकलेंगे, यानी मैच्योरिंग फेस से चीज़ें निकल जाएंगी वेसाइकल के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे आगे जाना होगा वहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। ये फिगर जो था गॉल्जी ऑपरेटर्स का था। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, लाइसोसोम जो होता है इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं लाइसोसोम को हम,
लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, मृत थैली, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मृत थैली, यानी यहाँ पे सुसाइड होगा। क्यों सुसाइड होगा, क्योंकि इसका जो पीएच होता है 4.5 होता है, यानी एसिडिक पीएच होता है। इसका पीएच जो होता है कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच इसका होता है, ठीक है। टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा है, लाइसोसोम दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गॉल्जी अपैरेटस, है ना। जो लाइसोसोम बनता है ये कैसे बनता है, ये पैकेजिंग ऑफ गॉल्जी अपैरेटस, जो गॉल्जी अपैरेटस में पैकिंग होती है उसके थ्रू बनता है ना, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे गुंडी के नुमा, यानी इसी में भी इसका जो कंटेंट होगा वो पीएच होगा इसका 4.5 पीएच होगा, और ये एसिडिक पीएच होगा, है ना। 7 से कम है तो ये हो जाएगा एसिडिक पीएच होगा इसका, ठीक है। इसी रिसाइकल के फॉर्म में इसका कंटेंट होगा, इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये जो बनता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गॉल्जी अपैरेटस, यानी गॉल्जी अपैरेटस की पैकेजिंग प्रोसेस से ये बनते हैं लाइसोसोम, याद रखेंगे, ठीक है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम साइकिल, आइसोलेटेड लाइसोसोमल साइकिल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, है ना। जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल होती है, मैंने आपको बताया लाइसोसोम जो होगा उसका पीएच होगा 4.5 होगा, यानी एसिडिक पीएच होगा, है ना। इसके अंदर जो वेसाइकल होंगे उसमें इसका एसिडिक पीएच का कंटेंट ही भरा होगा, मटेरियल ही भरा होगा, है ना। ये जो होता है वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक इसमें एंजाइम पाए जाएंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है वो चीज़ों को लिटिक करेंगे, यानी लेसिस करेंगे, यानी तोड़ेंगे, है ना। लिटिक का मतलब होता है, लिटिक का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, ब्रेक करना, क्या करना, ब्रेक करना, चीज़ों को ये ब्रेक करेगा, यानी चीज़ों को तोड़ेगा, है ना। अब कौन कौन सी चीज़ों को तोड़ेगा, कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिजेज, इनको कॉमनली क्या बोल दिया गया, हाइड्रोलिजेज, है ना। जो स्प्लिटिंग एंजाइम होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, हाइड्रोलिजेज में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लाइपेज आएगा जो लाइपोज को तोड़ेगा, प्रोटीएज आएगा जो प्रोटीन को तोड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट आएगा वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। यानी जो हमसे क्वेश्चन में पूछ देगा लाइपेज को कौन तोड़ेगा, तो लाइपेज, है ना, और प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, प्रोटीएज, और कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेज, है ना। उसके नाम पे एज लगा देते हैं तो उसके वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, जो जो लाइसोसोम होता है इसका जो पीएच होता है 4.5 होता है, ये 4.5 पीएच होगा तो क्या होगा, वो पीएच एसिडिक होगा, कैसा, एसिडिक पीएच होगा 4.5। ये जो ऑप्टिमली एक्टिव मतलब अपनी एक्टिविटी अच्छे से शो कर पाएगा ये एसिडिक पीएच में 4.5 में, है ना। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये जो एंजाइम होंगे ये एसिडिक एंजाइम होंगे, एसिडिक पीएच पे ऑप्टिमली अपना काम करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम, और लाइपेज को लिपिड को लाइपेज, है ना, लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड भी, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, तोड़ेगा। अब इसका क्या है, अब उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद कौन सा है, वॉक्यूल के बारे में। वॉक्यूल के बारे में हमने आपको बताया सारी की सारी चीज़ें, वॉक्यूल जो होता है प्लांट में पाया जाता है, वॉक्यूल जो होगा प्लांट में पाया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 90% इसका जो एलूम एक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, ठीक है, आपको बताता हूँ मैं इंटरेस्टिंग मैनर में, ठीक है। वॉक्यूल, वॉक्यूल यानी वॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, वॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी में इसका कंटेंट भरा होगा, है ना, इसका कंटेंट भरा होगा जो कंसंट्रेटेड होता है साइटोप्लाज्म से, यानी इसके अंदर जो वो होगा कंटेंट वो कंसंट्रेटेड होगा, बहुत गाढ़ा होगा, है ना, कंसंट्रेटेड होगा साइटोप्लाज्म की अपेक्षा में। आगे देखते हैं, वॉक्यूल, द वॉक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, वॉक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वॉक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो वॉक्यूल हुआ वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड में कैसा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ट्रोनोप्लास्ट बोलते हैं, आगे चल के बताएंगे। जो हमारा लाइसोसोम था वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, ठीक है। वॉक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, वॉक्यूल जो होगा साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इट कंटेन वाटर सेप,
है ना, इस कंटेन वाटर, इसमें पानी होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एंड अदर मटेरियल नॉट यूज फॉर द सेल, है ना। इसमें क्या क्या होगा, वाटर होगा, क्या क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा, सैप होगा, मानी इसके अंदर जो कंसनट्रेटेड मटेरियल होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जो, और अदर मटेरियल नॉट यूज फॉर, और अदर मटेरियल होगा जो यूजफुल नहीं होते हैं प्लांट सेल के लिए, यानी सेल के लिए जो यूजफुल नहीं होते हैं, वो इसमें कंटेंट होगा, भरा हुआ होगा, है ना। द वक्यूल इज बाउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेनस, है ना, जो वक्यूल बाउंड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, वक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो वक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ट्रोनोप्लास्ट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आता है, ठीक है। इन प्लांट सेल द वक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ये वक्यूल जो होता है प्लांट सेल में ही कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, तो इसीलिए बताया प्लांट सेल में जो वक्यूल होता है ये कैन ऑक्यूपाई, ये ऑक्यूपाई कर सकता है कितने परसेंटेज, 90% कितने, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी सेल का 90% ये प्लांट सेल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वक्यूल, हिंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल में वक्यूल पाया जाएगा, अब वक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट और वक्यूल की मेम्ब्रेन जो हुई टोनोप्लास्ट हुई, मान लो ये वक्यूल हुआ, ठीक है। अब इसकी जो मान लो ये कवरिंग हुई, मान लो ये कवरिंग हुई, इसको क्या बोला हमने, टोनोप्लास्ट बोल दिया, टोनोप्लास्ट बोल दिया, ये वक्यूल हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सब ये भरा है, ये क्या है, ये हुआ साइटोप्लाज्म हुआ, ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ। अब यहाँ वक्यूल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ये कंसनट्रेटेड है, ये क्या है, कंसनट्रेटेड मटेरियल है, और साइटोप्लाज्म जो है इसका जो है डाइल्यूटेड है, यानी ये इसकी अपेक्षा वक्यूल के अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड है, है ना। अब ये यहाँ से चीज़ें जब कंसनट्रेटेड यानी हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन चीज़ें जाती हैं तो क्या होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है ना, उसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें जाएंगी तो पैसे ट्रांसपोर्ट होगा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, उसमें कोई एनर्जी की यूज नहीं होगी। बट जब लोअर कंसंट्रेशन यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है क्या है, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन है कम है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है हाई है। जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगी तो हमको एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा, है ना, एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ पे पैसिव जो होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी का यूज होगा, है ना, तभी चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा पाएंगी। तो यही हमको यहाँ पे बताया गया है, जो टोनोप्लास्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिट कराता है, ट्रांसपोर्ट में कौन से नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं एंड अदर मटेरियल अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बताया, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एटीपी यहाँ पे यूज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, इनटू द वक्यूल यानी साइटोप्लाज्म से चीज़ें वक्यूल में जाएंगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगी, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगी, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वक्यूल, है ना, यहाँ पे बताया, इसलिए कंसंट्रेशन जो होता है ये वक्यूल में हायर होता है देन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की अपेक्षा जो कंसंट्रेशन होगा वक्यूल में वो क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल, यानी वक्यूल जो होते हैं अमीबा में होते हैं वो कैसे वक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल का मतलब उसमें चलने में हेल्प करेंगे वो, सॉरी नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल होंगे क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल होंगे वो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, अमीबा में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, है ना, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन करेंगे, एक्सक्रीटरी फंक्शन करेंगे, अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल होंगे ये एक्सक्रीटरी फंक्शन करेंगे। बट जो अमीबा में चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब पैर, है ना, मतलब फाल्स फीट उनको बोलते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है, इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, और ये प्रोटिस्ट में भी पाए जाते हैं। फूड वक्यूल, फूड वक्यूल क्या होते हैं, फूड वक्यूल आर फॉर्म बाई इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, है ना, जो फूड वक्यूल बनेंगे वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेंगे यानी खाएंगे,
यानी खाने से इनगल्फ, मतलब खाने से, ठीक है, यानी इनगल्फ करना खाना, जब फूड पार्टिकल को खाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फूड वकील बन जाएंगे। अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वकील होते हैं उनका काम क्या होता है, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वकील का काम होता है इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सक्रीशन में, बट जो स्यूडोपोडिया होते हैं क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया जो होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में, याद रखेंगे लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं अमीबा में, है ना, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वकील एक्सक्रीशन में, स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं। आगे क्या दिया गया हमको, माइटोकांड्रिया दिया गया है जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम माइटोकांड्रिया पार्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारी कितनी चीज़ें आई, वक्यूल आया, ठीक है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, और क्या आया, लाइसोसोम आया, यानी इसीलिए इसको VGRL सिस्टम हम लोगों ने बोला था। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की, जो सिस्टम में जितने ऑर्गेनल्स आए हैं सारी की सारी हमने पढ़ लिए। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फर्दर आगे के टॉपिक कवर करेंगे, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, तो इफ लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए।